हेलो फ्रेंड्स, मैं उस रोज़ मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कि आप घर में ही अपना फेशियल किस तरीके से कर सकते हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा बना सकते हैं, स्किन में कोई भी प्रकार के दाग धब्बे हैं एक बार में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हम बिना पार्लर गए हुए अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मेंटेन रख सकते हैं। घर की ही चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ सकता है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कर सकती है हमारी स्किन, और जो दाग धब्बे हो जाते हैं और हम कई बार तो फेशियल करवाने के बाद में भी स्किन पे चमक नहीं आ पाती है, तो आप घर में ही इस तरीके से अपना फेशियल कर लीजिए, आपको पार्लर से ज़्यादा स्किन में चमक आएगी। तो अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं फेशियल के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट। अगर आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा गहरा दाग है काला, तो उसको आपको किस तरीके से हटाना है, जैसे नोच पे बहुत ज़्यादा कालापन रहता है, पीछे जो गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा कालापन होता है, बहुत कई जगहों पे बहुत ज़्यादा कालापन होता है, तो एक बार के लगाने से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है आपके जो भी दाग धब्बे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोलगेट ली है, ये हमारे सभी के घर में मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसकी 1.5 चम्मच निकाल दी है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ हम लेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे यहाँ पे मैंने लिया है नमक। नमक से होता यह है कि नमक से थोड़ी देर के बाद में ही नमक अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। नमक से जो भी कालापन होता है ना, पूरी तरीके से जो भी कचरा गंदगी जो भी स्किन के ऊपर जमी हुई होती है ना, तो पूरी निकल जाती है। क्योंकि हम जब नहाएं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके अगर आप नहाएंगे तो आपकी स्किन की पूरी गंदगी साफ हो जाती है, इससे आपकी स्किन का पूरा मेल ख़त्म हो जाता है, बरसों से जमा हुआ मेल मिनटों में गायब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लिया है नींबू। तो नींबू हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, नींबू भी हमारी स्किन को क्लीन करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें बहुत ज़्यादा बीज है, तो बीजों को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नींबू के रस की डाल दी है, और डालने के बाद में हम सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्किन के ऊपर कितना भी गहरा दाग है, आई स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा कालापन है, एक बार में ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और पीछे गर्दन हमारी कुछ भी पहनते हैं, गर्मियों में हम कुछ भी पहनते हैं, पसीनों के कारण बहुत ज़्यादा काली हो जाती है पीछे की जो गर्दन होती है, तो उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। एक बार में आपकी देखना, एक बार में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है शैम्पू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शैम्पू लिया था, शैम्पू से हमारी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नरम हो जाएगी ना, कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाएगी आपकी, इतनी ज़्यादा बच्चों से भी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन लगेगी आपकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शैम्पू को डाल दिया है। शैम्पू को डालने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से, क्योंकि हमारे गर्मियों के कारण भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है, स्किन में बिल्कुल भी चमक नहीं हो पाती है, रह पाती है। तो इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार बनेगी, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा स्किन में। और एक बार में सबसे मेन तो बात यह है कि आपकी स्किन पर कैसा भी दाग हो, एक बार में ही ख़त्म, कालापन हो कैसा भी, एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। और इससे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, स्किन बहुत ही अच्छा काम करेगी स्किन के ऊपर ये चीज़ें। तो इस तरीके से आपको लगाना है, मैं हाथ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ, पीछे आपको गर्दन पे लगाना है, जहाँ जहाँ आपके काले बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं वहीं पर इसको बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि एक बार में आपकी स्किन के जो भी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होंगे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के लिए इसी तरीके से मालिश करना है, जो कि आपका जमा हुआ मेल एक बार में ही गायब हो जाए, क्योंकि नमक से हमारी स्किन में जो बरसों से जमा हुआ मेल है ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, कालापन हो मेल हो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 10 मिनट के लिए मालिश करना है, और फिर रखना है थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्किन में देख सकते हैं, जो ये मैंने वाइट लगाया था, बिल्कुल काला काला होने लगा है, जो इसका मेल था वो निकलना स्टार्ट हो चुका है, जो स्किन पे जमी हुई गंदगी थी, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के बाद में हमें क्या करना है, हाथ को अच्छे से धो लेना है।
तो इस तरीके से हमें धो लेना है हाथ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कालापन लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाथ में जो भी गंदगी थी पूरी तरीके से निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे नए रेमेडी के साथ में। और आप इसी तरीके से घर की रेमेडियों से, घर के फेशियल से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।